हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोकतंत्र सेनानियों ने मनाए आपातकाल की वर्षगांठ। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का किया स्वागत। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लोकतंत्र रक्षा मंच द्वारा रातानाड़ा स्थित महेश्वरी भवन में आपातकाल 1975 से 1977 की 45वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दौरान लोकतंत्र सेनानियों ने एक बैठक का आयोजन किया। लोकतंत्र रक्षा मंच के प्रांति महामंदिर देवराज बोरा ने बताया कि बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में लोकतंत्र रक्षा मंच के संरक्षण व प्रदेश के वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी दामोदर बंग थे। कार्यक्रम में जोधपुर जिले से कई लोकतंत्र सेनानियों ने भाग लिया। बैठक में देश की वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्र महामंत्री और नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत का लोकतंत्र सेनानियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान राष्ट्र महामंत्री राजेंद्र गहलोत ने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा ज्वलंत विषयों पर चर्चा की। बता दें कि आपातकाल के दौरान जोधपुर में दामोदर बंग, गुमानमल लोढ़ा, विज्ञान मोदी, ब्रामदेव बोरा, राजेंद्र गहलोत, देवराज बोरा, मोहम्मद अली, राम नारायण विशोई, कांतिलाल जसमतिया, रणछोड़ दास गुटानी सहित कुल 33 लोगों को बंदी बनाया गया था। जेल में रहते हुए सभी राजनीतिक बंदियों ने मिलकर वहां एक मंदिर का निर्माण भी करवाया। बाद में जब आपात स्थिति हटी तब सरकार बनाने के बाद मंदिर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। देश के अंदर 1975 जून की अर्धरात्रि को देश की प्रधानमंत्री सम्मान्य इंदिरा गांधी जी ने देश में आंतरिक आपातकाल घोषित किया और सारे नागरिक अधिकारों का वापस ले लिए और उनका हनन किया। पहला आंदोलन 15 जुलाई 1975 को प्रारंभ हुआ। पूरे देश के अंदर ये तय किया गया कि हर जिला हेडक्वार्टर पर एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा और इस एक व्यक्ति सत्याग्रह करके भय मिटाओ आंदोलन को आगे आंदोलन के माध्यम से जनता को जन जागरण पैदा करेंगे। करीब 1.5 लाख लोगों को उस दिन रात को गिरफ्तार करके जेलों में ठूंस दिया था और उस दरमियान 10 लाख लोगों की नसबंदी हो गई थी। तो वो 45वां जो वर्षगांठ है आपातकाल काला दिवस के रूप में आज मनाने जा रहे हैं। इसके साथ हमें खुशी है कि भाई राजेंद्र जी गहलोत हमारे राष्ट्रीय महामंत्री है, वो राज्यसभा में चुन के आए हैं। आज हम उनका स्वागत अभिनंदन भी करेंगे, उस हिसाब से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि इमरजेंसी के मामले में जिस ढंग की स्थिति इंदिरा गांधी ने इस देश को की, इस प्रकार की स्थिति कभी भी न आए और हमेशा भारत स्वतंत्र है, उसके लोगों की आज़ादी बनी रहे और जिस ढंग का उन्होंने जो कार्य किया है वो कभी भी आगे इस देश के अंदर ना हो और हमेशा ये आपातकाल की जो स्थिति है लोगों को याद है। लोगों को ध्यान में नहीं है कि आपातकाल इस ढंग की स्थिति आई थी, उसकी याददाश्त की दृष्टि से हम इस कार्य को बना रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।